हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मेरे चैनल पे अगर आप देखोगे तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो किया था जिसमें मैंने शो किया था कि नॉर्मली अगर मुझे कोई भी गिटार सोलो फिगर आउट करना है तो मैं कैसे करता हूँ और मेरा कॉन्सेप्ट क्या रहता है। तो ये वाला जो लेसन है ये भी सिमिलर लाइन में करेंगे और मैं आपको शो करूँगा कि वही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करके आप कैसे किसी भी सॉन्ग का सोलो फिगर आउट कर सकते हो। तो ये जो सॉन्ग है ये मूवी श्रीकांत का है और अरिजीत सिंह ने गाया है और इसमें काफ़ी अच्छा सोलो सेक्शन है और गाने का नाम है जीना सिखा दे। तो मैंने कल सुना था इस गाने को एक बार, बट मैंने जस्ट रियलाइज़ किया कि हाँ, इसमें एक काफ़ी अच्छा पीस है जो कि हम इस वीडियो के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कैसे इस सोलो को फिगर आउट किया जाए और हम जो कॉन्सेप्ट्स मैंने पिछले वीडियो में दिखाए थे वही कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके इस सोलो को फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे बाय ईयर और जो थोड़ा बहुत हमारा फ्रेटबोर्ड का नॉलेज है स्केल्स का उसके हिसाब से। तो फिर इसी के साथ आज का लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार सोलो वाला सेक्शन प्ले कर देता हूँ और फिर पीस बाय पीस उसको फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे और मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा कि मैं क्या अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ और क्यों मैं ये नोट्स प्ले कर रहा हूँ, मैंने कैसे चूज़ किया। तो इसी के साथ आज का लेसन शुरू करते हैं। तो काफ़ी सारे लिक्स हैं इस सोलो के अंदर और काफ़ी इंटरेस्टिंग बट काफ़ी वेल नोन लिक्स हैं ये। जैसे जो एंड वाला लिक था वो ब्लूज़ चक बेरी स्टाइल काफ़ी नोन ब्लूज़ लिक है वो। और इसके अलावा मैंने नोटिस किया कि पेंटाटॉनिक वाला फीलिंग है सॉन्ग में। तो एक एक काम करते हैं, सबसे पहले फिगर आउट करते हैं कि क्या स्केल है सॉन्ग का और उसके बाद फिर आगे का सेक्शन फिर देखते हैं। राइट, तो अगर जैसे कि आपने देखा होगा कि जो नोट बिल्कुल स्टेबल बैठता है वो है ये। और मैंने जस्ट एक पीछे अभी वीडियो किया था 3-4 दिन पहले जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया कि नोट नेमिंग कैसे फिगर आउट करना है। तो अगर आपको नहीं पता तो वो उस वाले लेसन्स को देख। तो ये जो नोट है ये नोट है एफ शार्प। कैसे? ये ई है, एफ एफ शार्प, एफ शार्प, एफ शार्प, एफ शार्प, एफ शार्प। तो ये नोट बिल्कुल स्टेबल बैठ रहा था, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। तो अब देखते हैं कि स्केल कौन सा स्टेबल बैठता है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला पोजिशन यूज़ करूँगा एफ शार्प का। दिस इज़ ई, लो ई स्ट्रिंग, सेकेंड फ्रेट। ठीक है, तो अब देखते हैं कि स्केल क्या सेट बैठता है। पहले मेजर स्केल प्ले करके देखते हैं, उसके नोट्स सही से बैठ रहे हैं कि नहीं। अगर वो नहीं बैठ रहे हैं तो फिर माइनर स्केल यूज़ करके देखेंगे। तो दैट्स द नेक्स्ट स्टेप। ओके, तो मेजर स्केल के जो नोट्स हैं वो नहीं सेट बैठ रहे हैं। उसमें ये जो थर्ड नोट है ये काफी आउट ऑफ द स्केल दिख रहा है और सिक्स्थ नोट जो है वो भी काफी आउट ऑफ द स्केल जा रहा है। तो अब माइनर स्केल ट्राई करते हैं। तो माइनर स्केल के जो नोट्स हैं वो बिल्कुल सही बैठ रहे हैं और अभी तक मैंने माइनर स्केल का वीडियो नहीं बनाया है। मेजर स्केल मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी कि मेजर स्केल कैसे फिगर आउट करना है, क्या फॉर्मूला है, वो सब मेरे चैनल पे है। आई थिंक एक हफ्ते पहले मैंने वीडियो बनाया था वो। माइनर स्केल का वीडियो नेक्स्ट आएगा। तो माइनर स्केल जो है वो बिल्कुल सेट बैठता है। तो वो हो गया सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप जो है वो ये है
जहाँ जहाँ पे हमें नोट सुनाई दे रहा है, अगर हमें हाई पिच्ड नोट्स सुनाई दे रहा है तो हम उस रेंज में वो स्केल फिगर आउट करेंगे और फिर वो नोट्स प्ले करेंगे। तो अगर एफ माइनर देखें तो एफ माइनर नोट यहाँ है, तो एक स्केल हो गया, दूसरा हो गया। अगर इधर से देखें तो एफ शार्प माइनर इज लाइक दिस, यहां से देखें ठीक है। और एक चीज मैं और नोटिस कर रहा हूं कि जो नोट्स या जो गाने का फील है, जैसे मैंने पहले बोला, काफी पेंटाटोनिक स्केल टाइप जैसा लग रहा है। पेंटाटोनिक क्या है? माइनर पेंटाटोनिक स्केल। एफ माइनर ही है लेकिन उसमें से भी दो नोट जो है वो कम है। पेंटाटोनिक मीन्स फाइव, तो हम उस माइनर स्केल में से सात नोट्स की जगह सिर्फ पांच ही नोट्स प्ले करेंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है इस पॉइंट पे कि आपको पेंटाटोनिक स्केल भी पता होना चाहिए। अगर आपको पता तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा और दो नोट कम हो जाएंगे हमारे फ्रेटबोर्ड पे, बट अगर नहीं भी पता तो भी कोई बात नहीं, माइनर स्केल भी चलेगा ठीक है। तो अब सुनते हैं और देखते हैं कि क्या नोट है। और मैं आपको एक पोजीशन भी बता देता हूँ जो 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 सुनने में आ रहा है वो नोट्स अराउंड ये नोट था वो, इन आई थिंक इनिशियल नोट इसी के आसपास, समथिंग लाइक दिस, इन नोट्स के अराउंड है। तो ये नोट्स हो गए स्केल के। बेसिकली ये है क्या, ये एफ माइनर पेंटाटोनिक स्केल है। अगर आप देखो एफ शार्प माइनर, सॉरी, इस एरिया में प्ले हो रहा है, तो दिस इज फर्स्ट क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट पोजीशन पेंटाटोनिक स्केल। अगर आपको पेंटाटोनिक स्केल पे भी कोई लेसन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं पेंटाटोनिक स्केल के ऊपर भी बना दूंगा एक डिटेल्ड लेसन। बट ये अराउंड ये एरिया है जो यूजुअली इस सॉन्ग में अभी मुझे शुरू में सुनाई दिया। तो अब क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सुनते हैं गाना और नोट्स फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। कुछ इस तरीके से है, तो ये नोट सुन रहा है। तो जो पहला सेक्शन है वो शुरुआत हो रही है बेंड से। अगेन ये पूरा पेंटाटोनिक स्केल है, ठीक है। तो आप सुनते हैं। ओके तो पेंटाटोनिक ही सुन रहा है मुझे कंप्लीटली। काफी सिमिलर लग रहा है। इतने थोड़ा सा शफल है इसमें। आई थिंक काफी मैच कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, आगे सुनते क्या है। ये अभी काफी पेंटाटोनिक। ये जो है दिस इज फिफ्थ पोजीशन पेंटाटोनिक अगर देखा जाए। ये फिफ्थ पोजीशन पेंटाटोनिक
मतलब फिफ्थ पोजीशन है पेंटाटोनिक का, जिसमें से नोट्स प्ले हो रहे हैं। यस आगे। तो जो पार्ट है वो कुछ इस तरीके से है। अब ये जो नोट है, ये नोट ई स्ट्रिंग पे प्ले करने की जगह मैं पीछे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं स्लाइड सुन रहा है थोड़ा सा कि स्लाइड हो रहा है, तो इसको पीछे स्लाइड कर रहा हूँ। अब दो जो सेक्शंस हैं वो इस तरीके से हैं। अब आगे वाला पार्ट सुनते हैं। ये तो बिल्कुल आयरन मेडन स्टाइल ट्रिल्स यूज़ की हैं सॉन्ग में। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो कि मैं जब सोलो सुनता हूँ तो मैं एक बार उसको हम भी करता हूँ, ताकि उससे क्या होता है ब्रेन में कैसे स्टैम्प लग जाता है कि हाँ ये नोट्स जो हैं वो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक आप फोकस कर पाते हो ज़्यादा बेटर। ओके, तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो कुछ इस तरीके से है, एक काफी फास्ट ट्रिल है, चार बार हो रहा है ये। ट्रिल क्या होता है? ट्रिल कुछ नहीं है, बस हैमर करना है आपको, और हैमर पुल अप है, हैमर पुल अप जल्दी जल्दी करना है, वो ट्रिल होता है। ठीक है, अब सुनते हैं नेक्स्ट ट्रिल क्या था। जो नेक्स्ट के दो ट्रिल्स हैं वो डबल सुनाई दे रहे हैं, जो फर्स्ट ट्रिल था वो चार बार हो रहा है और जो नेक्स्ट के दो ट्रिल्स हैं वो आठ बार हो रहे हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट नोट है वो पेंटाटोनिक स्केल के ही नोट्स आगे आगे बढ़ रहे हैं, तो जो स्केल था वो ऐसे था, तो जो हमने यहाँ से शुरू किया था उसके बाद आगे जो नोट्स हैं नेक्स्ट स्ट्रिंग पे पेंटाटोनिक स्केल के, ये आठ बार है, तो इस तरीके से एक दो तीन चार, दो तीन चार पाँच छः सात आठ, उसके बाद सुनते हैं नेक्स्ट ट्रिल क्या है। ओके, वो अगेन स्केल ही आगे जा रहा है, तो इस तरीके से सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट सुनते हैं। तो बट एक स्लाइड आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है स्टेप में, 12th फ्रेट और जो उसके नीचे बी स्ट्रिंग और 12th फ्रेट ऑन हाई ई स्ट्रिंग, या ऐसे भी प्ले कर सकते हैं। जो इनिशियल वो स्लाइड है उसको बी स्ट्रिंग 12th फ्रेट, ई स्ट्रिंग 12th फ्रेट, और फिर जो एक्चुअल दो नेक्स्ट नोट हैं वो 17th फ्रेट बी स्ट्रिंग। अगेन एक चीज़ मैं इसमें और क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि अभी जो मेरा फोकस है वो नोट्स फिगर आउट करने में है, और ओवरऑल क्या सॉन्ग का सोलो साउंड कर रहा है वो फिगर आउट करने में। मैं अभी बिल्कुल भी यही नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे परफेक्ट कर लेना है, वो आएगा जब मैं नोट्स फिगर आउट कर लूँगा, रिदम फिगर आउट कर लूँगा,
वो बार बार सुन के बार बार प्रैक्टिस करके आएगा। तो अब आगे का स्टेप सुनते हैं। क्लासिक बैंड ओके, ये नोट है 21 फ्रेट, बट ये बेंड किया हुआ है। तो 19 से 21 पे बेंड फुल, जो नेक्स्ट पार्ट है क्लासिक पेंटाटोनिक लिख है कुछ इस तरीके से। चक बेरी स्टाइल लिख सुन रहा है, लेकिन पूरा पार्ट देख लेते हैं एक बारी। जो लास्ट वाला लिख है वो कुछ ऐसे है। तो काफी फेमस स्टाइल लिख है ये, और उसका जो उससे पहले का जो पार्ट सुनाई दे रहा वो कुछ इस तरीके से। तो अभी तक जितना भी अभी पार्ट्स हमने फिगर आउट किया है, मैं स्लो थोड़ा करके आपको प्ले करके दिखाता हूँ। आई थिंक आई होप ये मेरा प्रोसेस जो है, मैं जिस तरीके से सोलो फिगर आउट करता हूँ वो क्लियर हो रहा होगा अब धीरे धीरे। अगेन 3 स्टेप का प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप की फिगर आउट, सेंटर जो नोट है वो फिगर आउट करना है, वो क्रोमैटिक स्केल प्ले करके देखना है सबसे स्टेबल नोट। सेकेंड स्टेप स्केल फिगर आउट करना है, मेजर है माइनर है या कोई और मोड है, जो कि हम बाद में अगले आने वाले लेसन्स में डिस्कस करेंगे, थोड़ा एडवांस चीज़ें। लेकिन अगर मेजर और माइनर है या पेंटाटोनिक है वो काफ़ी सिंपली आप फिगर आउट कर सकते हो। मेजर स्केल का मैं लेसन बना चुका हूँ, माइनर स्केल का नेक्स्ट आएगा। तो मेजर स्केल है अगर या माइनर स्केल आपने फिगर आउट कर दिया तो आपको नोट्स पता है, आपको पता है कौन सा स्केल प्ले करना है। फिर जहाँ पे सोलो सुनाई दे रहा है, मतलब हाई स्ट्रिंग्स पे सुनाई दे रहा है या हाई पिच यूज़ हो रही है या हायर नोट्स यूज़ हो रहे हैं स्केल के, उसके अराउंड आपको अपना स्केल फिगर आउट करना है कि क्या नोट्स हैं, और फिर सुनना है इधर से और वो नोट्स प्ले करने हैं जो स्केल में हैं, जो हम फिगर आउट हमने किया। ऐसा कभी कभी होता है कुछ सॉन्ग्स के अंदर कुछ नोट्स आउट ऑफ द स्केल भी यूज़ होते हैं, बट वो आपको काफ़ी प्रीडोमिनेंटली समझ, ऐसा होता है कभी कभी कि कुछ नोट्स आउट ऑफ द स्केल भी यूज़ होते हैं, लेकिन वो आपको काफ़ी ईजिली सुनाई देगा, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो आउट ऑफ द स्केल है, तो वो आप फिगर आउट कर सकते हो। इट हैज़ टू बी नियरर टू दोज नोट्स, आसपास ही होगा, लेकिन वो ज़्यादा नहीं सुनने में आता, हालांकि वो अच्छा लगता है। खैर मुझे पर्सनली वो काफ़ी पसंद है वो फ्लेवर, बट ओवरऑल आइडिया यही है कि आप इन स्टेप्स को यूज़ करके थोड़ा टाइम स्पेंड करके अच्छे से इन सोलो को सीख सकते हो। हो सकता है शुरू में देर लगेगी, या आपको स्लो करके सुनना पड़ेगा, या फिर आपको बार बार सुनना पड़ेगा, बट ओवर द टाइम जैसे मैं कुछ चीज़ें कैच कर लेता हूँ इजीली कि हाँ ये पेंटाटोनिक स्टाइल लिख है या ये काफ़ी फेमस लिख है या ये जो है ऐसा साउंड कर रहा है, इस में माइनर जैसा साउंड कर रहा है, मेजर जैसा साउंड कर रहा है, ये चीज़ें ओवर द टाइम जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आ जाएंगी। बाकी और लेसन्स भी मैं अभी करूँगा जो कि माइनर स्केल पेंटाटोनिक स्केल से रिलेटेड हैं, या फिर कॉर्ड्स कैसे फिगर आउट करने हैं, सॉन्ग्स के कॉर्ड्स कैसे फिगर आउट करने हैं, या फिर आप किसी पार्टी में बैठे हो तो आपको कैसे सॉन्ग प्ले करना है, अगर करना है कोई अगर गा रहा है तो, ये सारे लेसन्स प्लान में हैं। एंड जब जब जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं वैसे वैसे ये लेसन्स करता रहूँगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कॉमेंट सेक्शन में लिखिए। फॉर नाउ साइनिंग ऑफ, कीप लर्निंग कीप प्लेइंग, बाय।